हेलो गाइस, वेलकम टू आरुषि सोशल। माय नेम इज़ आरुषि बंसल और हम आज बात करेंगे कि यूट्यूब की वीडियोस पे जो आई बटन लगता है, जो आपको टॉप राइट कॉर्नर में नज़र आता है, वो होता क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस, वो हमें क्यों लगाना चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो लगता कैसे है, क्योंकि आज भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को नहीं पता कि वो लगता कैसे है। आखिर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है फॉर अ यूट्यूबर्स। सो सारे यूट्यूबर्स को मैं यही कहूँगी कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए तो अब इसी के साथ हम जान लेते हैं कि ये आई बटन होता क्या है। आपने बहुत से यूट्यूबर्स को बोलते हुए देखा होगा, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बोलते हुए देखा होगा कि दैट आप ऊपर राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे एक आई बटन आ रहा होगा, उसको प्रेस करिए और आप पहुंच जाएंगे मेरी इस वीडियो पे डायरेक्टली। सो आई बटन बेसिकली होता है कि जस्ट एक बटन के अंदर हाइपरलिंकिंग कर देते हैं किसी और वीडियो प्लेलिस्ट की। हाइपरलिंकिंग से मतलब है वहाँ पे उस वीडियो का लिंक डाल देते हैं ताकि जो कोई भी उस बटन को प्रेस करे वो डायरेक्टली दूसरी वीडियो पे पहुंच जाए। सो आई बटन यूट्यूबर्स बेसिकली वो यूज़ करते हैं जो अपनी एक पर्टिकुलर वीडियो में रिकमेंड करना चाहते हैं व्यूअर्स को कोई और वीडियो अपने चैनल से। वो कोई वीडियो भी हो सकती है या प्लेलिस्ट भी हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि आई बटन यूज़ करने में उस बटन के ऊपर हाइपरलिंकिंग कर दी जाती है जो भी वीडियो वो यूट्यूबर अपने व्यूअर्स को रिकमेंड करना चाहता है आफ्टर वॉचिंग अ पर्टिकुलर वीडियो। सो इसे कहते हैं हम आई बटन। आई बटन दिखता होगा कुछ ऐसा, आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एंड पक्का आप समझ गए होंगे कि आई बटन होता क्या है। अब हम आते हैं कि हमें बेसिकली आई बटन क्यों लगाना चाहिए, आखिर फ़ायदा क्या है आई बटन लगाने का, क्यों यूट्यूबर्स आई बटन लगाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आपकी किसी पुरानी वीडियो पे या किसी पर्टिकुलर वीडियो पे व्यूज़ नहीं आए और आप उसके व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं, उसे एक पुश देना चाहते हैं, तो आप अपनी किसी भी नई वीडियो पे, जो आपकी न्यू वीडियो आएगी उसके ऊपर पुरानी वीडियो के आई बटन लगा सकते हैं उसकी हाइपरलिंकिंग करके। इससे आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे आपकी पुरानी वीडियो पे और नेचुरली व्यूज़ बढ़ेंगे तो लाइक भी बढ़ेगी। अब लाइक्स व्यूज़ तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, अब मान लो सब्सक्राइबर्स भी तो बढ़ाने हैं। अब आप अपने चैनल पे जितनी वाइडली कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे, आप इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइबर्स को, आपके व्यूअर्स को पसंद आएगा। तो क्या पता वो आपके चैनल को जाते जाते एक सब्सक्राइब भी दे जाए। तो इस वजह से आई बटन इज़ वेरी यूजफुल टूल फॉर अ यूट्यूबर। मोस्ट प्रॉब्ली आपको समझ आ गया होगा कि आई बटन क्या होता है और क्यों लगाना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब आप सोच रहे होंगे दीदी इतना सब कुछ बता ही दिया है, आरुषि इतना सब कुछ बता ही दिया है तो कैसे लगाना है ये भी बता दो। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे आई बटन कैसे लगाना है आखिरकार अपनी वीडियो पे। तो देखते रहिए एंड तक। अब गाइस, आपको बताने से पहले कि आई बटन आखिर लगता कैसे है, मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी कि इस वीडियो को अब से यहाँ से स्किप मत करना, क्योंकि आगे आने वाला है क्लाइमेक्स, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि आपको एक पर्टिकुलर वीडियो पे आई बटन कैसे लगाना है। तो स्किप मत करना और एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी अपनी स्क्रीन्स खोल लीजिए एंड YouTube खोलना है आपको सबसे पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको तीन लाइन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके आना है, आपको क्रिएटर स्टूडियो पे जाना है। जैसे ही आप क्रिएटर स्टूडियो पे पहुँचोगे आपको कंटेंट पे प्रेस करना है। आपने कंटेंट पे प्रेस करा, फिर आपको जिस भी वीडियो पे आई बटन लगाना है आपको उस वीडियो को प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपने प्रेस कर दिया है तो आपको यहाँ पे कार्ड पे जाना है।
आप आई एम श्योर कि आप लोग कार्ड्स तक तो पहुंच ही गए होंगे। अब आपको कार्ड्स को प्रेस करना है, इसमें आप वीडियो प्लेलिस्ट चैनल कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे वीडियो डालनी है और उसी मिनट पे डालूंगी जिस मिनट पे मैंने बोला है कि दैट प्रेस दी आई बटन। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो बोला है ये, वो बोला है 6 मिनट 4 माइक्रो सेकेंड पे। अब उसके बाद मैं इसमें डालना चाहती हूँ वीडियो। अब मैं डिसाइड करूँगी कि ये वीडियो डालनी है, ये वीडियो डालनी है। मैंने डिसाइड करा कि मुझे ये वीडियो डालनी है, तो मैं इस पर प्रेस करूँगी। ये हमारा लग गया आई बटन इस मिनट पे। एंड नाउ आई विल सिंपली प्रेस टू सेव, और ये हमारा जस्ट अ सेकेंड सेव, और ये हमारा आई बटन लग चुका है इस पर्टिकुलर वीडियो पे। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आई बटन एक बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है यूट्यूबर्स के लिए, तो इसको अपनी वीडियोस में ज़रूर 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 यूज़ करें। आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट रह गए हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले गाइस, थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो नीचे जाके एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे जाके रेड बटन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी, आई मीन अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी थैंक यू सो मच।